सब्सक्राइब कीजिए वैदिक ज्योतिष चैनल को और साथ ही बेल आइकन भी दबा दी ताकि नए वीडियोस की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। जय संतोषी माँ। दोस्तों स्वागत है आपका वैदिक ज्योतिष में। जानते हैं आज क्या कहती है आपकी राशियाँ, कैसा रहेगा आपका दिन। शुरुआत करते हैं आज के सुविचार से। इंसान अपनी आदतों का गुलाम होता है, तो आदतें भी सोच समझ के डालिए। कुछ यूं है सुबह लेकर खड़ा रहा, कुछ यूं मैं सुबह लेकर खड़ा रहा रात की चौखट पर, मानो कलेजा निकाल के रख दिया हो उनकी एक आहट पर। आजकल आवाजों में तो हर किसी की ताकत होती है, आप अपने विचारों को भी दो थोड़ी सी ताकत। आज का पंचांग 18 जुलाई 2024 दिन गुरुवार, आषाढ़ मास के शुक्ल पक्ष की द्वादशी तिथि रात्रि 8:44 तक रहेगी। इसके उपरांत त्रयोदशी तिथि प्रारंभ हो जाएगी। ज्येष्ठ नामक नक्षत्र रात्रि 3:25 तक रहेगी। इसके उपरांत मूल नामक नक्षत्र प्रारंभ हो जाएगी। आज का राहु काल अर्थात दिन का सबसे अशुभ समय दोपहर 2:12 से 3:51 तक रहेगा। आज का अभिजीत मुहूर्त अर्थात दिन का सबसे शुभ समय दोपहर 12:07 से 12:58 तक रहेगा। आज चंद्रमा वृश्चिक राशि पर रात्रि 3:25 तक रहेगी। इसके उपरांत धनु राशि पर संचार करेगी और आज सूर्य कर्क राशि पर रहेंगे। वृषभ राशि 18 जुलाई 2024 दिन गुरुवार, आज का दिन भावनात्मक रहेगा। आपको अपनी अंतर्मन की भावनाओं और विचारों को व्यक्त करने के लिए अच्छी स्थिति भी आ सकती है। आपको इससे थोड़ा सा डर रहेगा क्योंकि आपने इससे पहले ऐसा कभी नहीं किया है, लेकिन अगर आप ऐसा करेंगे तो आपको भावनात्मक संतुष्टि मिलेगी। आपका कोई करीबी भी आज भावनाओं में बहकर काम करेगा, लेकिन आपको जमीन से जुड़े रहकर उपयुक्त प्रतिक्रिया देनी होगी। भावनाओं पर काबू रखें तथा प्रैक्टिकल बनी रहें, आप और अधिक सहजता से निर्णय ले पाएंगे। किसी पारिवारिक सदस्य की तरफ से कोई संतोषजनक सूचना मिलने से मन प्रफुल्लित रहेगा तथा कोई मनोरंजक यात्रा संबंधित प्रोग्राम भी बनेगा। दुविधाओं की वजह से थकान हो सकती है, कमाई में उतार चढ़ाव आएगा, इस कारण खर्च पर नियंत्रण करना होगा। काम से जुड़ी जानकारी का असर काम की क्वालिटी पर न हो इस बात का ध्यान रखें। युवाओं को बेचैनी महसूस होगी, काम से संबंधित बातों में अचानक समस्या हो सकती है, लेकिन समाधान भी आपको तुरंत प्राप्त होगा। रिलेशनशिप ठीक होने के बाद भी पार्टनर का बर्ताव आपके लिए तकलीफ का कारण हो सकता है, सेहत से संबंधित भी परेशानी हो सकती है। आज के दिन आपके लिए करियर के मामले में अच्छा रहने वाला है। आपका कोई मित्र संतान के करियर को लेकर परेशान चल रहे थे, तो आपकी वह इच्छा भी पूरी होगी। व्यवसाय से जुड़ी जानकारी आप किसी को शेयर ना करें। माता पिता के आशीर्वाद से आपका कोई रुका हुआ काम भी पूरा हो सकता है। आप अपने परिजनों के साथ कुछ समय मौज मस्ती करते नजर आएंगी। विद्यार्थियों को बौद्धिक व मानसिक बोझ से छुटकारा भी मिलेगा। सावधानियां, अपने गैर जरूरी खर्चों पर काबू रखना बहुत जरूरी है। आज किसी भी प्रकार की यात्रा करने का कोई भी उचित फायदा नहीं मिलेगा। पारिवारिक सदस्यों की जरूरतों और सुख सुविधाओं का ध्यान रखना संबंधों को मजबूत बनाएगा। बात करते हैं लव लाइफ की। आपके लिए आज भी अपने साथी के करीब आ पाना मुश्किल रहेगा। वास्तव में आप उनके काफी करीब हैं, लेकिन अपनी अपरिपक्वता के चलते आप भावनाओं के बादल में उलझे हुए से हैं। आप यह चाहते हैं कि आप दोनों शारीरिक और भावनात्मक दोनों ही स्तरों पर और करीब आने से पहले एक दूसरे को अच्छी तरह से समझ और जान लें। इस भावनात्मक गुफ्तगू के बाद आपके रिश्ते में काफी मजबूती भी आएगी। बात करते हैं करियर की। आपके कार्यस्थल पर कोई अपने घमंड में अपनी उपलब्धियों को गिना सकता है, परंतु आप बुरा ना माने क्योंकि वह आपको बुरा महसूस कराना चाहता है। अपने इस अनुपात में पहले ही इन उपलब्धियों को आपने छुआ है। वित्तीय मोर्चे पर आपको पहले ही आपकी जरूरत या उससे ज्यादा ही मिला है, जिसे आप संजो के रख सकते हैं। बात करते हैं सेहत की। आज ऑफिस के काम के दबाव से आपकी नींद प्रभावित हो सकती है। आप अच्छी तरह से सो नहीं पाएंगे। सोने जाने से पहले थोड़ा ध्यान लगाएं और खुद को शांत मनोदशा में रखें।
आप धीमे और मधुर गाने सुनना चाहेंगे। कमरे में अंधेरा रखें और तापमान भी ठीक रखें ताकि अच्छी नींद ले पाएं। सोने से पहले एक गिलास गर्म दूध जरूर पिए जिससे नींद आपको अच्छी आए। आज का उपाय, आज आप तुलसी के पौधे पर जल चढ़ाएं, शुभ रहेगा। जीवन में हमेशा सकारात्मक सोच के साथ आगे बढ़ते रहें। आपका दिन शुभ हो।